नहीं, ये तो कुछ और ही बजिया यार। अब क्या, अब क्या बजा रहे हो? उसका ब्लूटूथ हमारे पास कनेक्ट हुआ है। ये ब्लूटूथ बंद करो रे, खुदाया केयर सुन रहा है क्या? ये आई वॉज आई थिंक इन 9th स्टैंडर्ड जब बनाया था मैंने। हाँ। कैसी जिंदगी है, कैसा है ये प्यार? I'm like depressed in 9th स्टैंडर्ड। बॉम्बे, यहाँ पे आके यू स्टार्ट एस्पायरिंग। सपना लेके आओ, इधर सच करो और जियो, और जियो और फिर गोवा चले जाओ। गुड मॉर्निंग रितेश, वेलकम टू द बॉम्बे जर्नी। क्या हाल है आपके? थैंक यू फॉर हैविंग मी, हाउ इज इट गोइंग? सुपर यार, मस्त, एकदम बढ़िया। तो भाई क्या हाल है आपके? बस यार बहुत अच्छा। अभी तो वेर एल्बम निकल गई है। हाँ, एल्बम निकल गई है तो अब मतलब एक नर्वसनेस चली गई थोड़ी सी। अब दूसरी नर्वसनेस आ रही है इसको रोड पे लेकर ले जाने के, लाइक गोइंग ऑन टूर। अब दैट्स द सेकंड साइड ऑफ, एक बार गाना बनाना हुआ, हाँ, फिर उसको प्रेजेंट करना, तो ये दोनों अब नेक्स्ट 3 months, few months are gonna be this. Really? Yeah. तो भाई देखो, ये एक as of today years old मैं था जब मुझे ये बात पता चली कि आपका एक्चुअल नाम ही रितविज है, है ना? ये बात सही। I'm glad that we are starting with this because ये ना एक some way public service announcement है कि my name is actually रितविज। ये शिवम विवम का अफवाह किधर से आया नहीं मालूम। शिवम is actually okay. So question, are you North Indian? हाँ, मतलब almost ऐसा। मेरे पापा हरियाणा के, but I was born and brought up in the south. तो आप समझते हो ना घर का नाम बाहर का नाम। हाँ हाँ। So शिवम is घर का नाम। अच्छा, और नाम है जी। हाँ। बात समझो। And वो अपना ये birth certificate पे रितविज लिखा है। अरे because that is my name, but घर में no one calls me रितविज। ठीक है, it's a very, it's like दो identities dealing with, क्योंकि I'm mostly at home, so I forget that I'm रितविज sometimes. हाँ। You know, तो वो scene है। ये देखो यार, अर्थ क्या हुआ रितविज का? और आपने बहुत अच्छा, आपने रितविज बोला, दैट्स एक्चुअली द राइट, वेरी वेल, आई एम वेरी इंप्रेस्ड, क्योंकि रितविज इज इन संस्कृत, इट मींस यज्ञ की आहुति करना। ओके, तो अब मुझे व्हाट आई एम नॉट श्योर ऑफ, यज्ञ की आहुति, आहुति करना मतलब ऐसा जो स्वाहा करते हैं अपन। एग्जैक्टली, तो आई डोंट नो अगर वो सेवन होता है। हाँ, हाँ। सेवन को रितविज बुलाते हैं या रितविज या द पंडित जो कर रहा है वो रितविज, ये मुझे नहीं पता। एंड रितविज इज द ऑफिशियल, ये संस्कृत में ये वर्ड है, बट माय डैड, सो बेसिकली माय मौसी, माय आंट गेव मी दिस नेम, ठीक है, और आई थिंक माय डैड इज लाइक नहीं मैं ये चेंज करने वाला हूँ, तो ही चेंज द जे टू जेड। पापा आपके मतलब फास्ट फॉरवर्ड, ही इज लिविंग इन 2050। एग्जैक्टली, और उसके बाद मतलब मिल गया, आई गॉट माय एलियस, स्टेज नेम, सब कुछ, तो बस वही एक ही बार में। यार मैं जितने लोगों से यहाँ पर बात किया है ना, वो लोग काफी ज्यादा लेट इन लाइफ ड्रॉप आउट करते हैं। आप वो मिले जो पहले हैं, जो स्कूल में ही ड्रॉप आउट बोल दिया, फक दिस शिट, फक दिस शिट, स्ट्रेट अप, स्ट्रेट अप। क्यों ऐसा हुआ भाई? क्या यार, मुझे तो लगता है आई ड्रॉप आउट प्रीटी लेट। Really? मुझे लगता है और लेट में ड्रॉ, आई फील लाइक 9th स्टैंडर्ड में जब ट्रिग्नोमेट्री इंट्रोड्यूस किया था, उसी समय में हो गया था कि नहीं भाई, आई एम डन, ये ना हो पाएगा, ये नहीं होगा, ये दिस इज इट, 9th स्टैंडर्ड वाज इट, बट आई हैड टू स्टे ऑन फॉर अनदर 2 years, और फाइनली 11th ग्रेड में, ऑब्वियसली आई थिंक दिस वाज अ बिगर मूव फॉर माय पेरेंट्स देन मी, यार एज यू कैन इमेजिन, नो कुडोस टू योर पेरेंट्स मैन, एब्सोल्युटली कुडोस, दे आर द रियल हीरोज हियर, उनके वजह से ही सब कुछ, यू नो, तो यस, वेरी गुड यार, मतलब एंड टेक्स बॉल्स टू डू बी एबल टू डू दिस, एब्सोल्युटली, एंड द मोर लाइक जैसे से आई एम ग्रोइंग अप, आई एम अंडरस्टैंडिंग द वैल्यू ऑफ इट इवन मोर, राइट, बिकॉज आई एम लाइक वाओ, एट दैट पॉइंट वो उतना फेथ रखना एंड ट्रस्ट रखना कि भाई तुम करो, यू डू, आई नो, लाइक माई पेरेंट्स के साथ ऑलवेज ये होता है कि ओके डूड, तुम 16 घंटा काम कर रहे थे, बट आई एम लाइक Dad or mom, like you guys allowed me to do 16 hours. क्योंकि ये हम लोग का debate होता है. They're like, you know, तुम कर रहे थे तो we supported. But I'm like, you guys allowed me. Yes. You know, allow के इसलिए तो मैं, like there are kids out there जो मेरे से ज़्यादा probably काम करते हैं. But वो environment नहीं मिलती. नहीं मिलता. So I understand the value of that. और मैं हर समय यही बोलूँगा कि वो space और वो, you know, वो trust. Yeah, that's the biggest thing. thank you, auntie ji, thank you, uncle ji. जो आपने इस आदमी को वो करने दिया, जिसकी वजह से हम vibe करते हैं भाई गाड़ी में आपके गानों पर. हम आपके गानों पे vibe करते हैं. What are the songs that you're vibing to? Honestly, यहाँ पे मैं बता दूँगा, I'm a bit of a narcissist that way. मैं खुद के गाने पे. खुद के. यार भाई, I'm obsessed. मैं क्या ही बोलूँ, it's a problem. But ऐसा आप सुनते, are you also gauging कि कुछ गलत किया या कुछ सही किया, कुछ अलग किया था? Yeah, so ये होता रहता है. It's always like analysis mode में. तो बहुत लाइक फॉर मी टेस्ट, गाने का टेस्ट तब होता है जब मैं गाना सुन रहा हूँ, भूल गया हूँ कि मैं गाना बना रहा हूँ. दैट्स व्हेन आई नो कि ठीक है, दिस सॉन्ग इज रेडी. अदरवाइज मैं हर समय सोच रहा हूँ, वो ये चेंज कर सकते हैं, वो चेंज कर सकते हैं, यू नो, सो दैट्स ऑलवेज देयर. बट आप बहुत क्रिटिकल हो गया अपने काम को लेके. काफी काफी काफी, आई मीन थोड़ा ज्यादा, कि लाइक ऑब्सेशन इज द वेरी अनहेल्दी
थिंग जो है गानों के साथ मेरा बनाम सो ऑब्वियस लाइक नहीं यार ये एंड अटेंशन टू डिटेल छोटे छोटे चीज दैट लाइक आई थिंक आप सुनोगे आपको पता भी नहीं चलेगा. बट आई फील लाइक इन अ वे वो कॉन्ट्रीब्यूट करता है एक ओवरऑल फीलिंग में इमोशन ट्रांसलेट करने में यू नो. देखो ये तो कहीं ना कहीं आर्टिस्ट की पहचान भी है ना, थोड़ा नार्सिसिज्म, थोड़ी सी ऑब्सेशन, थोड़ा सा पागलपन. जी 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 है ये तो. यार मुझे यहाँ पर लिखा हुआ था 8 साल के थे जब आपने चालू किया, मतलब या आई मीन हाँ 8 साल के अराउंड आई हैड स्टार्टेड लाइक कंपोजिंग. कंपोजिंग तो मतलब सीखना और जानकारी म्यूजिक की जोर शोर से कहाँ से आई? ये एक घर पे बिकॉज माई मॉम इज एन इंडियन क्लासिकल सिंगर. जी और पापा आपके तबला बजाते थे. जी तो फॉर वो घर में वो एनवायरनमेंट था म्यूजिक का. तो यू नो उससे माय इंट्रोडक्शन पहले पहले वो हुआ. ठीक है. और फिर उसके बाद आई थिंक अराउंड सुबह अलार्म नहीं बज रहा होता है तबले का, वो जो टेस्ट रियाज हो रहा है सुबह में, मैं उठ रहा हूँ रियाज, मम्मी के रियाज को सुन के एंड स्टफ. तो वहां से हमारा शुरुआत हुआ. ठीक है. एंड धीरे धीरे एज आई वाज लाइक 8-9 साल के अराउंड आई थिंक आई स्टार्टेड लाइक थोड़ा यू नो वो नीड आया एक्सप्रेस करने का. तो आई थोड़ा सा सीखा था मैं, आई लर्नड अ लिटिल बिट. तो बेसिकली थोड़ा बैकग्राउंड आपको बताता हूँ. मॉम हैज लर्नड मेड मी लर्न आल्सो ख्याल, which is अपना नॉर्थ इंडियन क्लासिकल में एक हो गया ख्याल, एक हो गया ध्रुपद. अच्छा ठीक है. तो ये ब्रांचेस हैं. तो मैं ख्याल सीखा मॉम के अंडर और फिर आई थिंक 8-9 साल के बाद आई ऑल्सो स्टार्ट लर्निंग ध्रुपद. ओके. वो अंडर लाइक पंडित उदय भालकर, ही इज वेरी रेप्यूटेड आर्टिस्ट फ्रॉम पुणे. और वहाँ पे हम वेरी स्ट्रिक्ट गुरु शिष्य परंपरा सीखे. अच्छा जी. एंड अराउंड दैट टाइम आई हैड आई वाज आल्सो लाइक थोड़ा थोड़ा एक्सप्रेशन भी आ रहा था कि कैसे मतलब अपने वे में अपनी आवाज वो नीड आ रही थी कि मुझे भी आउटपुट देना है जो मैं सीख रहा हूँ एंड ऑल ऑफ दैट. नाइस. सो ये बेसिकली शुरुआत थी हमारी. बट जब आप सीख रहे हो तब आप क्या गाना सीखते थे, म्यूजिक कंपोजिशन सीखते थे या जस्ट सब कुछ गायकी? गायकी वोकल्स. यस यस. तो आप फुल ट्रेंड है, मतलब वोकल ट्रेंड है? नहीं नहीं मैं तो फुल तो एकदम नहीं बोलूंगा. मैं आई फील लाइक आधे टाइम तो आई वाज समवेयर एल्स ओनली. बट मैं आई हैव डन माय फेयर शेयर ऑफ रियाज. सुबह उठ के 4 से 8 सुबह सुबह खड़च करते थे हम लोग. अच्छा. विच इज लाइक लोअर नोट्स. ओके. और क्योंकि सुबह बेस ज्यादा होता है आवाज में. ये आई थिंक इट्स अ प्रैक्टिस वेयर आई फील लाइक जब आप लोअर नोट्स प्रैक्टिस करते हैं आपका ऊपर वाली ऑक्टेव भी लाइक परफेक्ट हो जाती है. सो इट्स लाइक प्रैक्टिसिंग. अब आई डोंट नो फुल रीजन हियर बट लाइक ये हमारी सुबह सुबह की रियाज होती थी हर दिन. तो ऐसा रेंज मिल जाता है गले को. रेंज मिलता है ना. सही बात बोले आप. सही बात बोले. सो ये हमारा था फॉर लाइक अ गुड 5 years ये इंटेंस प्रैक्टिस थी. बट वाइल ये सब हो रहा था ऑब्वियसली I'm now walking into my teens, you know, like hip hop rap sunna shuru kar diya and like you know west ka influence aa gaya tha. Of course. And around that time I feel wo ek jo pagalpan wala nahi hai ki nahi yaar like electronic music bajayega main to bol raha hu electronic ke pehle rap hip hop and rap was my you know bahut bahut hi zyada us samay mein. I think we were all listening to you know obviously the Eminems and like main to Limp Bizkit ka bahut bada fan tha. So I mean like you know this whole rap hip hop rock like us samay ka jo you know like I remember what Linkin Park was 7th standard mein you know. Yeah. So sabke liye hum sab ke liye basically right. तो हमारा थोड़ा अर्ली एक्सप्रेशन थोड़ा रैप के साथ हुआ था. हो सकता है. या आई स्टार्टेड ऑफ थोड़े वर्सेस लिखना शुरू किया था मैंने. यार जब आपके जो पहले वाले गाने हैं ना जितने मैंने जैसे या तो डीजेइंग वाले काम जो भी थे या उस टाइम पे उसमें बहुत लेयर है यार. उसमें मतलब ऐसा लगता है 4-5 गाने चले. मेरे प्रोड्यूसर ने पॉइंट आउट किया, ही इज अ फैन. ओके. तो लाइक भाई वो टाइम पे ऐसा क्लीन नहीं है रितेश का गाना. एकदम उसमें 5-6 चीजें हो रही हैं. तो ये क्या आपकी एंग्जायटी या आपका माइंड प्ले कर रहा है आपके गानों पर? पहले तो आई वांट टू टेल यू आप कितने सुंदर क्वेश्चंस पूछ रहे हो. मुझे मजा ही आ रहा है. लाइक दीज आर लाइक रियली नाइस इनसाइटफुल क्वेश्चंस. तो मैं इफ आई हैव टू ब्रेक दिस डाउन आई फील लाइक उड़ गए के पहले आई फील लाइक आई वाज अ डिफरेंट पर्सन. और उसमें क्या था ना कि वाज लाइक ओ माय गॉड मैं एक्सप्रेस कर रहा हूं बट लाइक ना मैं फुल फोर्स एक्सप्रेस कर रहा हूं. एक गानों में लाइक 5 गाने. हां सारी बातें एक साथ बोल दी. एक साथ बोल दी. एंड इट वाज लाइक कंप्रेस्ड होके एंड लाइक आई फील लाइक अभी भी व्हेन आई लुक बैक टू इट आई लर्न सो मच. क्योंकि वंस 2017 में जब उड़ गए से लाइक यू नो व्हेन आई स्टार्टेड मेकिंग उड़ गए बरसों और ये सब जब गाने लाइक फॉर्मेट होने लगे आई रियलाइज्ड कि मैं बहुत ज्यादा बोल रहा हूं. मैं बहुत ज्यादा बोल रहा हूं और मुझे पता नहीं कि जो बात बोलना चाहता हूँ वो ट्रांसलेट हो रहा है नहीं. यू नो क्योंकि बहुत चीज बोल के आई डोंट नो इफ मैं क्रक्स में वो मैं एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ. तो आई चेंज दैट सिस्टम. तो आई फोकस ऑन वन आइडिया उसके अराउंड बिल्ड करना शुरू किया. सो लाइक वो एक
एक आइडिया नीड्स टू बी सेंटर, उसको माइक दो. और सब आइडियाज तुम ड्रम्स बजाओ, तुम लाइक यू नो गिटार बजाओ, बट लाइक लेट द यू नो लीड बी द लीड. ये मैं नहीं कर रहा था पहले. सो सही किया भाई जी. तो उसके बाद से आई थिंक यू नो वो थोड़ा सा लाइक एवोल्यूशन हुआ थोड़े थोड़ा साउंड में. सो या बट उड़ गए. और कौन सा गाना था एक और, बरसो और नहीं चलो चले, चलो चले जी. ये दोनों आपने अपने उसके टाइम पे भी बजाया था स्कूल के एनुअल डे के. अरे वाह. या या सो बेसिकली नॉट उड़ गए, बरसो एंड चलो चले. बरसो एंड चलो, बरसो एंड चलो चले आई हैड इनिशियली मेड. सो आई विल टेल यू व्हाट हैपेंड. 2013 I made 70 songs, bro. 70 गाने बनाए मैंने, जिसमें बच्चे लोग नाच वाच रहे हैं. जी जी जी. And like this was in a like a period of like 2 weeks or something. दो तीन हफ्ते में, because आप समझ रहे हो उस point पे I had to like you know like वो prove कर रहा हूँ मैं. तो जब parents were tripping on a Ritviz concert in 2013. Yes. Four years before Ritviz was known to the world. Yes sir. Wow. Yes sir. ये history है. बरसो and चलो चले were the two songs that later became. Yeah. Yeah. And how much of the songs actually remained as they were during the annual day bit? I feel like I'm telling you 70 songs mein se there are 68 songs in my computer abhi jo the people haven't heard. So jo Tanmay Bhatt ko sunate ho aap yaar. Ha yaar wo sun leta hai yaar. He hacks into my computer. Oh damn. Yeah. Hi hello. It's a good thing no that happens. Yeah wait, I think I still don't fully get used to this response but yeah. He paused, right? And then he was like, is it truly him? Haan, ye hota hai, where like even at airports and stuff, I feel like it's not instant recognition. Haan. Kyunki I think my songs are more famous than I am. वही ना, वो भी लिखा हुआ है इधर. हाँ, तो क्या होता है फिर अब कोई देखेगा पहले verify करें. हाँ, ये वही चाहिए. ये वही है ना, ये बंद. मुझे तो लगता है, I feel like at this point, जिस पॉइंट पे हूँ मैं, आई फील लाइक इट्स वेरी गुड बिकॉज थोड़ा कैमोफ्लेज हो सकता है. आई लाइक जस्ट लाइक अ डिवाइन इज अ वेरी गुड फ्रेंड एंड लाइक he that he guy gets mobbed everywhere. Yeah, you know. Yeah, yeah. So I will tell Vivian ki bro like you know I'm good bro like you know gaane famous hote raho mujhe nahi hona utna, it's fine. Aisa kyun? Because of the inner. Haan, wo, also I'm such an anxious person to thodi like social anxiety aa jati hai. I'm not able to be myself so much you know. तो अच्छा है ये, this is a good spot. I kind of hope that ऐसे ही रहे. मस्त है ब्रो, मस्त है, ये भी ठीक है. जी. But social situations में ऐसा house party में आप कौन से वाले होते थे? Were you the corner kid or were you the beach में or were you at the bar counter making it for everybody? So I am a host. मैं host इंसान तो हूँ. As long as मेरा battery recharged है, मैं काफी I prepare myself. हाँ. कि हम जा रहे हैं, especially if I'm hosting. बहुत मजा आता है होस्टिंग करने में. एंड आई एम लाइक या लाइक यू नो काफी लाइफ ऑफ द पार्टी बंदा हूं मैं, बट लाइक वही है कि एज लॉन्ग एज मिल गया है मुझे लाइक बैटरी रिचार्ज रहा है, कैन आई कैन बी दैट गाय थ्रू द पार्टी बिट. आई थिंक ऐसा भी हुआ क्या कि यू आर द ओनली वे टू गेट इनटू म्यूजिक और म्यूजिक बनाने के लिए साधन ही डीजे बनना था पहले? हां, वेरी गुड. ये हुआ था ना, वेरी गुड क्वेश्चन. सो फॉर मी सबसे पहले हुआ प्रोडक्शन. आई थिंक लाइक आई सेड, लाइक हम लोग जैसे शुरुआत किए थे कि आई लर्न वोकल इंडियन क्लासिकल, उसके बाद जब एक्सप्रेशन आई एट दैट पॉइंट ऑल्सो माई मेन फोकस वॉज ऑन वोकल्स और गायकी. बट देन आई वॉज लाइक यार मैं ऑनलाइन बीट्स ढूंढ रहा हूँ, आई एम फाइंडिंग लाइक यू नो प्रोडक्शन ऑनलाइन और उसके ऊपर आई एम ट्राइंग टू कम्पोज. And I was like, yeah, but if I want to change things, I can't, because, you know, sample hai. Haan. Beat to mera nahi hai. You know, so then it became like a goal ki I want complete creative control. Okay. Ab creative control full lene ke liye, I had to learn music production. Sab apne ko hi karna padega. Ji, to ye fir enter YouTube. और हमारा लाइक आई फील लाइक माय एंटायर ड्यू आई वांट टू गिव टू YouTube. हमारा हमारे गुरु, रियल गुरु इज YouTube. थैंक यू. एंड देन भाई फिर उसके बाद आई थिंक वंस आई लर्न म्यूजिक प्रोडक्शन, उसके बाद जब आई स्टार्टेड मेकिंग म्यूजिक, वो हुआ कि ठीक है मुझे अगर यहाँ पे ये इंस्ट्रूमेंट चेंज करना है ये तो लग रहा था ना कि आई हैव कंट्रोल ओवर दिस. एंड दैट्स हाउ ये पूरी जर्नी बनी. एंड देन इट इज लाइक कि DJing became a way of presenting this. So once गाने ready होने लगे, I'm like, अब मैं इसको बजाऊं कैसे? And that's when I started like also figuring कि कैसे DJ करें, कैसे present करें और ये सब यार.
ऐसा कोई था नहीं क्या जो आपको बोला भाई तू तू बड़ा बनेगा, ऐसा कुछ याद है कि आपको आके कोई बोला हो कि भाई तेरा आवाज मेरे को सुनाई दे रहा है ऐसा? आई रिमेम्बर आई थिंक लाइक राइट बिफोर उठ गए, आई थिंक Divine was one of those people I remember. Yeah, we had a show in Shillong and this was like months before Udgai came out. And I remember him just going like, "Tera rocket abhi udega." Like I remember that and it's like a very, it stayed in my, you know. Kya baat hai? Yeah, so just so much love for him. He's a big bro and you know. So kind of him. Yeah. Big bro se baat aati nuclear ki. Ji, ji, ji. To unka yogdaan batao bhai, jindagi mein. Oh ho, Udyan ji ke liye main kya hi bolun. Haan, ye bhi mere producer ne bola tha. Whenever I will say nuclear, you will say Udyan. Haan, main Udyan bolunga. Haan. It's like Skrillex ko sab sunny bulate hain. Haan. Kyunki personally jante to kaafi flex moment aa jata hai. That's why I have that. First name basis hai. First name basis wala flex hai. To Udyan bhai ka batao. Bro, Udyan has been a mentor, a friend, everything. I think from the time, and I have a very special story with him because I remember the first time I played NH7. Ye hamara, I think 2015 ka baat hai. My parents were in the crowd. Theek hai, main 4 baje play kar raha hu. Gates have opened. Koi nahi hai. I'm playing. My parents are there, and Udyan is there. What stage was this? Like it was a smaller stage, is it? I mean, it was the electronic stage. Okay. Udyan was like pre-headlining. Mark Bronson was headlining. Kafi. Biggies. Kafi, yeah, exactly. Or mere baad, like you know, we had Reggae Rajas and also I was opening for the really epic people. Or 4 baje ki show hai. Koi nahi hai. Suddenly I'm like, oh, parents are there. I'm like, guys, aap bas aap hi log ka sahara hai, you know. And then side se main dekhta hu Udyan aa gaya, and I'm just like, whoa, like kya ho raha hai. And I'm obviously, I'm like a 19-year-old kid who's seeing Nuclear at his show, and I'm just like, bro, this is exciting. Isi ke liye to jee rahe hain. Right, exactly. So, and he met me after the show, and he's like, bro, big fan and stuff. I'm like, yaar, aap bol rahe ho ye, matlab main kya hai? So yeah, wo hamara, we met there. Uske baad se, we wrote a song that same year actually. Haan, kya? Yeah, we got in the studio also, ek gaana likha humne. Then how does life come about? Kyunki kya hota hai ki ek gaana bahut popular ho gaya, uska obvious sa movement kahi music artist ke liye Bollywood bhi hai. Haan. So what was the journey after then? Yaar, jab Udgai nikla, uske baad 6 mahine, obviously, I was still working on Jeet us samay mein. Theek hai. But 6 mahine gaane nahi nikle. I didn't release anything else. So the first box that I was put in was ki ye one hit wonder hai. Okay. You know, wo immediate ho gaya. Like wo like I think Udgai became such a big song. Wo ek ho gaya ki ab ye kuch release bhi nahi kar raha hai. 2-3 mahine ho gaye. Aur wo expectation set ho gayi thi. Aur wo ek word I think started running around ki ye this is a one hit wonder hai. Ye ab tak bhi aayi baat ki ye ekdam ha wo online mein dekhna shuru kar diya tha, right? I'm just like theek hai, okay, cool. Aur obviously main, I'm new to this, kuch idea nahi hai, suddenly like overnight success hua hai aur ye sab. So but I'm like, nahi bhai, gaana to release karenge tabhi when I'm ready. Fair. You know, like ye main, I'm not going to go back on the way I make music. Kyunki agar wo main change kar lu na, then I'm just like, I'm losing touch with myself, aur fir main provide kar raha hu logo ko. Nahi, aisa nahi hai. So I stayed true ki nahi, theek hai, jab Jeet ready hoga. But thoda I was facing a block also, kya ho raha tha, we were doing lot of shows. To Udgai ke baad we were just like I was tired, exhausted mentally, time nahi mil raha tha gaane pe baithne. So I was like, nahi, theek hai, we're gonna take a break, I'm gonna sit on the music. Barson, Jeet, at that time I had in Ved, 3 gaano pe I was working on. Fir Jeet nikla and then Barso came out, and I think wo box se fir main thoda nikal gaya. Haan. You know, kyunki fir the response started coming for the other songs. Ye aur aapka jo cover hai usme hai jo choti bachchi ka photo hai, wo aapki mother hai? Ji. Haan, kya? Ji, ji. Ye kya archives mein jaake dhoond ke leke aaye kya aap? This photo my nana took. My nana is no more. Oh. Nana had taken on my mom like when she was like 5-6 years old. And ये था दिमाग में कि एक दिन ये एल्बम कवर बनेगा. And this was a thing जब 20 बहुत पहले, like when I was in 9-10 तब सोचा था, like you know कि एक दिन बनाऊंगा and this will be the album cover. So I'm really like, you know, so life cool came at that point. So yeah, that's a really good thing. I mean, मेरे को लगता नहीं इससे ज़्यादा किसी माँ को कुछ और खुश कर सकता है. और आपके आपके एल्बम आर्ट फेमस है ना, NFT भी निकाल रखी है आपने अपने एल्बम आर्ट निकाली है. सो हमारा आई थिंक उदयन जी के साथ जो एल्बम अब ईपी सॉरी बारात जब निकला था, तो वी डिड फ्यू NFTs उस समय में काफी, लाइक वी डिड अ बंच ऑफ लाइक आर्ट वर्क्स एंड यू नो डिफरेंट क्रिएटिव्स. और वजीर एक्स के साथ किया था. मुंबई पहली बार कब आए आप? मुंबई पहली. सो आई मीन मैं तो पुणे से हूँ ना, तो आई हैव फैमिली इन बॉम्बे. तो ऐसा हाईवे से आने का, हाँ वही एग्जैक्टली 3 घंटे का रास्ता है. इट्स ऑल गुड. बट वर्क के लिए आई थिंक प्रोफेशनली यही अपना 2013 के बाद जब से लाइक थोड़ा शुरुआत हुई, लाइक हाँ ठीक है म्यूजिक ही करना है, तो फिर लाइक ट्रिप्स शुरू होने लगे.
थोड़े शोज वोज जब स्टार्ट हुए 2014-2015 द बॉम्बे के ट्रिप्स हुए. और ये जो जनरली आर्टिस्ट जो होते हैं या प्रोड्यूसर्स होते हैं वो अपने म्यूजिक वीडियोस में कई बार सिग्निफिकेंट रोल्स प्ले कर रहे होते हैं. आप ऐसा तिनका सा होते हो ऐसा क्यों? ये थोड़ा इंटेंशनल है बिकॉज लाइक आई सेड आई थिंक शुरुआत में भी बोला कि लाइक यू नो लाइक आई डोंट थिंक आई इंटेंड ऑल्सो टू बी द फेस. यू डोंट? या व्हाई इज दैट? बिकॉज आई फील लाइक ये ना इंटरप्रिटेशन पे छोड़ देना है मुझे. लाइक यू नो लाइक गाना कुछ बोल रहा है, वीडियो कुछ बोल रहा है, आप समझो कुछ और. एंड आई फील लाइक व्हेन आई मेक दैट फुल एंट्री नो तो इट टेक्स अवे फ्रॉम द अकॉर्डिंग टू मी थोड़ा सा. आई फील लाइक इट टेक्स अवे फ्रॉम द स्टोरी दैट आई एम ट्राइंग टू टेल. इट टेक्स अवे फ्रॉम ऑल्सो नॉट एन एक्टर. दैट्स व्हाई आई एम लाइक लेट्स प्लीज गेट यू नो प्रोफेशनल्स टू डू दिस. यार एक वीडियो में मैंने किया आई थिंक इन द प्राण वीडियो आई वाज देयर. यार आई ट्राइड माय बेस्ट बट द डायरेक्टर वाज आल्सो लाइक ब्रो ये एक्सप्रेशन. आई एम लाइक नहीं होगा. मैं लाइक इतना आई एम सो बैड इन फ्रंट ऑफ द कैमरा तो आई एम गुड. मैं थोड़ा कैमियो आके बस अपना मुंह दिखा देता हूं काफी. हां बस स्पीड पे किस कर दे बस. Oh God, yeah. What are your song के top three? यार ये question. मैं अपने गानों का top three. I feel like right now वो ये change होते रहता है. ठीक है. But right now Mimmi is that for me. हाँ. क्योंकि काफी like I said like it's such a brand new sound जो मैं present कर रहा हूँ. और मैं like I've been this vulnerable person जो मैं present कर रहा हूँ कि देखो भाई this is my heart. Yeah. तो ये मेरे लिए this album is my top everything right now. रुको लगाते हैं ना थोड़ा सा फिर हम तो TBJ with Ritwiz playlist ready अपना. Yes sir. अरे सिग्नल खुल गया आगे रोक गाड़ी में ही सुनना है यार. गाड़ी में सुनने का मजा है भाई. आल्सो वेदर कितना अच्छा है. really ये वेदर तो मतलब परफेक्ट है ना. इट्स यस महफूज आज ना मिमी बजाते हैं. चलो ये मिमी ऑलरेडी रील्स पे काफी फट रहा है ना. इज दिस द वन? नो आई थिंक आज ना स्टार्ट में वो टिंग टिंग आज ना हां शुरुआत तो हो रही है आई थिंक. है ना देख रहा हूं मैं ट्रेंडिंग पे आ गया भाई. ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया ना आजकल रील्स पे ट्रेंडिंग पे आना. हाँ लाइक एट दिस पॉइंट लाइक अब वहाँ पे लोग डिस्कवर कर रहे हैं. यू नो इट्स बिकम लाइक वहाँ पे एक वो डिस्कवरी पेज हो गई है फॉर म्यूजिशियंस फॉर लाइक यू नो एक्टर्स एवरीबॉडी. लाइक रील्स हैज बिकम द न्यू रेवोल्यूशन. लाओ देखें क्या क्या ट्रिप करते हैं हम लोग मिमी पे क्योंकि रास्ता भी खाली मिलेगा हमको. जी ये आवाज माँ की है. दिस इज माय मॉम. या क्या बात है यार. काफी अलग भी है ये आपके नॉर्मल काइंड ऑफ म्यूजिक से. जी आर यू अ डांसर? यार जस्ट यस्टरडे इंस्टाग्राम पे मैंने पोस्ट किया मेरे बेसिकली अंकल मूव्स होते हैं. आई डू लाइक ये सब करता हूं मैं. करो दिखाओ ना. वेरी एंबैरेसिंग यार. नहीं बहुत एंबैरेसिंग. आई कांट डांस बट ऑब्वियसली आई विल डांस अगर जोन में हूं मैं. बट दिस काइंड ऑफ वन. मुझे बताओ ना समझाओ कैसे बोलते हैं. बस इसमें इट्स सच अ आई एम सिंगिंग पीछे पियानो रिवर्स पियानो चल रहा है और तबला. यू नो तीन तीन लेयर है बस. ऐसा होता है क्या कि आप भी रात को कुछ प्रोड्यूस करते हो सुबह उठ के रात को ट्रिप कर रहे हो फुल क्या बैंगर है बैंगर है सुबह उठ के बोले क्या बना बेच. या क्लासिक ये प्रोड्यूसर प्रॉब्लम्स है. हाँ. सुबह उठ के लाइक क्या हुआ व्हाट हैपेंड हियर व्हाई वर यू एक्साइटेड लास्ट नाइट. या एंड कल रात को मस्त लग रहा था. हाँ वे, अभी वे. कुछ भी है फेंको इसको. हाउ ऑफन आर यू लाइक मतलब आप कितना रिसाइकल कर रहे हो क्या बोलते हैं फेंक रहे हो अपना काम और फिर या फिर काम कर रहे हो उस पर ठीक करने के लिए. मैं डिलीट नहीं मारता हूँ काफी. हाँ. बहुत बार लाइक मन आ जाता है कि नहीं ब्रो ये बहुत ही गार्बेज काम किया है तूने तो डिलीट मार दे अपना लाइक अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए डिलीट मार. बट लाइक आई डोंट आई एम लाइक यू डोंट नो क्योंकि हो सकता है अभी मैं माइंड फ्रेम में समझ नहीं पा रहा हूँ. अगर आइडिया है आइडिया को आई ऑलवेज रिस्पेक्ट आइडिया. हाँ. तो आई लाइक ठीक है अभी आई एम नॉट फीलिंग इट बट इसको सेव करके रखूंगा एंड आई विल रीविजिट इट यू नो एंड दैट हैज हैपेंड लॉट ऑफ टाइम्स. सॉन्ग्स हैव बीन बिल्ट लाइक months later. Yeah? Yeah. यार ये बंबई का व्यू ना मेरा फेवरेट व्यू है. Yeah. तो इस पे तो लिग्गी थोड़ा बजा ही लेते क्योंकि उस पे थोड़ा उसके उस पे ऊपर थोड़ा ग्रूव कर सकता है आदमी. नहीं ये तो कुछ और ही बजिया यार. अब क्या बजा रहे हो? उसका ब्लूटूथ हमारे पास कनेक्ट हुआ है. ए ब्लूटूथ बंद करो रे. खुदाया कैर सुन रहा है क्या? यार ये ऐसा होता है देखो. ये गुड सॉन्ग इमदाद हुसैन. ये मेकआउट स्पॉट है बॉम्बे का. ओह रियली? हां आई कैन टेल. आई कैन टेल. या देखो ऑलरेडी खड़ी पब्लिक उधर.
तो हम आगे रुक के एक बार व्यू देखेंगे. यहाँ पे हम लोगों ने कैरी को रुकवाया था. अच्छा, अच्छा. और उसको मैंने ये व्यू दिखाया था. जी जी जी. और मैंने रियलाइज किया हमें करना चाहिए. इट्स एन ओड टू द सिटी. इट्स एन ओड टू द सिटी. आर यू पेइंग रिस्पेक्ट्स? यस, ऑलवेज. यार बॉम्बे इज अमेजिंग टुडे. इट्स सो ब्यूटीफुल. राइट, आओ देखते हैं बॉम्बे. देखते हैं थोड़ा सा. डू इट. Bombay, are you a high rise person or like a bungalow type person? यार मैं तो गोवा में रहता हूँ तो हमारा बंगलो सिचुएशन है. इज द ऑपोजिट ऑफ सिटी लाइफ. क्योंकि लुक एट दैट क्लाउड यार, वो मतलब वो बिल्डिंग के अंदर चला गया है. दैट इज ट्रू यार. मुंबई ना मतलब दिस प्लेस. हर बार वी कम टू बॉम्बे और लाइक यहाँ पे लाइक बोलते हैं ना सिटी ऑफ ड्रीम्स. इट ट्रूली इज दैट. इट इज दैट यार. यू एस्पायर, यहाँ पे आके यू स्टार्ट एस्पायरिंग. सपना लेके आओ, इधर सर्च करो और जियो. और जियो और फिर गोवा चले जाओ. क्योंकि जिंदगी वहाँ जीना है. थोड़ा सा बजाऊंगा. हाँ, जितना आपको सुनाना है दुनिया को. दिस मस्ट बी आई थिंक नाइन्थ ग्रेड. या नाइन्थ स्टैंडर्ड के. व्हाट इज रिवर्ब नेशन? सो रिवर्ब नेशन उस समय का इज बेसिकली यहाँ पे चार्ट्स होते थे. okay. और यहाँ पे यू अपलोड योर म्यूजिक. हाँ. और आपकी रेटिंग वेटिंग होती थी. पीपल यूज्ड टू वोट. ओके. और यहाँ पे लोग डिस्कवर करते थे बैक इन द डे. क्या बात है. हाँ. तो ये गाना कहाँ से है? ये आई वॉज आई थिंक इन नाइन्थ स्टैंडर्ड जब बनाया था मैंने ये गाना. हाँ. देख रहे हो यहाँ पे अंग्रेजी वोकल चल रहे हैं. देख रहे हो इंग्लिश एक्सेंट सुन रहे हो. मैं थोड़ा आगे जा रहा हूँ. पहले तो इससे प्यार, ये जिंदगी है यार. कर ले तू इससे प्यार, ये जिंदगी है यार. कर ले तू इससे प्यार. हाँ, कमी है तो बात ना करना था, ना दिखाना था अपना मुंह. अच्छा चल रहा था, बिगाड़ दिया तूने मूड. मैं था तेरा बैंक, मारी तूने लूट. मंजिल थी मेरी दूर, आंखों में फेंका दूर. किस चाह से आई थी, क्या लेकर गई तू? ये जिंदगी नहीं है, ये तो प्यार का पर्दा है. क्यों रहता है और मैं भरने की कोशिश में टाइम वेस्ट ना करता हूँ. चुप चुप पीछे इधर उधर देखता हूँ. ये जिंदगी मेरी और मैं सोचता ही रहता हूँ. That's it. Yeah. Yeah, bro. ये एक पुराना गाना है हमारा. It's actually really cool क्योंकि I have not heard this in such a long time. Yo, thank you to Shreyansh Patil, our man who's producing this one specially. मैं और बजाऊंगा. मैं और बजाऊंगा. बजाओ. भाई बे. भाई बे. अब हो गया. अब लाय अपने डोर खोल दिया. हाँ, अभी खुला है. ये काफी इंटेंस है. सोचता रहता हूँ. सोचता रहता हूँ. सोचता रहता हूँ मैं क्या होगा मेरे यार. उन्हें क्या देखा है जो मैंने देखा बार बार. कैसी जिंदगी है, कैसा है ये प्यार. I'm like depressed in ninth standard. मेरे यार, my problems in ninth standard. से बाहर कब मैं ऊपर देखूं और पालूं अपना साथ. डरता हूँ कुछ लोगों से, गुस्सा उसका बाप. धीरे धीरे चलते हुए पहुंचता कहीं और. साले सब कमी है, आगे आगे पीछे. मन की बात सुनता तो वे रहते मेरे नीचे. सोचना ही कला है, सोचता ही रहता हूँ. कैदी बन गया. अब इमोशन समझ रहे हो. कैसी भी चलती. काफी इंटेंस. दोस्त चूतिए हैं, सब फालतू लोग कमीने. मुझे फिजिक्स नहीं पढ़ना है, मुझे नहीं जानना है. बढ़िया ब्रो. ये हमारा बढ़िया. ये एनुअल डे पे नहीं बजा सकते लेकिन. ये हमारा पर्सनल टेक ऑन लाइफ इन नाइन्थ स्टैंडर्ड. तो ये जब ऐसा अभी ये गाने तो चलो बहुत ज्यादा अपने लाइफ के अलग फेज के हैं. बट उड़ गए के बाद ऐसा बॉलीवुड वॉलीवुड से कॉल नहीं है आपको? आया. उसके बाद काफी सीन भी हुआ. 2020 में एक डाप लिया आपका गाना. जी हाँ. वो क्या सीन था ब्रो? एंड वन ऑफ द बिगेस्ट लेबल्स ऑफ आवर कंट्री. या मैन. या उसमें दैट वाज वेरी सरप्राइजिंग. मैं थिएटर में हूँ व्हेन आई एम फाइंडिंग आउट. रियली यू आर लिसनिंग टू? आई एम वाचिंग द मूवी. ठीक है यार. इट वाज लाइक प्रीटी क्रेजी. बट
that being said, I feel like Bollywood as a whole is not like that. There are epic people. Haan. You know, kafi there's so many projects that I want to do and stuff. Generalize nahi karunga ki Bollywood hi kharab hai. Haan. But there are workings jo are not good, are ethical nahi hai, but I feel like I will choose to work with people jo, you know. मतलब जब शुरू में जब कोविड आया ऑब्वियसली लाइक एक्नॉलेज कर रहा हूँ अपना प्रिविलेज दैट यू नो हम लोग अफोर्ड कर पाए तो बैठ सकते थे घर में उसके बाद लाइक स्टार्ट में क्या हुआ कि ओ अभी शोज थोड़े बंद हो गए हैं और ये लाइक एक पॉज आ गया है तो इन अ वे कि ठीक है घर में बैठ के लाइक थोड़ा रिफ्लेक्ट करते हैं ऑल ऑफ दैट वो एक अपॉर्चुनिटी मिल गई हम लाइक यू नो लाइक वी वर ऑल कुछ कर नहीं सकते हैं रुक गई है दुनिया यू नो तो उसके बाद यू लाइक ठीक है बैठ के घर में बैठ के लाइक रिफ्लेक्ट करना है यार अब लाइक यू नो तो मेरा लाइक मिम्मी वॉज अ प्रोडक्ट ऑफ दैट क्योंकि घर में बैठ के आई स्पेंड सो मच टाइम थिंकिंग एंड लाइक वंडरिंग कि क्या कर रहा हूँ लाइफ के साथ एग्जिस्टेंशियल चल रहा है ये सब चल रहा है बट देन अब दो साल बाद You want to go back. You want to go back. Because now you're ready. Ab jaate hain on the stage again. So, you know, and like, I think finally, touched like we're... Yeah, dude. You know, coming back to shows abhi US. Kidhar hai abhi next? Kya kya dikhne wala hai? Batao na. Kahan kahan par hone wale ho? To humara abhi plan hai US October mein. Oh, wow. We're doing east to west coast. Pura kar rahe hain hum log. Haan. Phir uske baad India tour hai. Okay. November, December, Mimmi tour karenge hum. India mein. और फिर ऑस्ट्रेलिया कहाँ कहाँ पर है इंडिया में आई थिंक वी आर डूइंग 15 सिटीज 15 सिटीज में आप सारे मेजर सिटीज ले लो हाँ जी और आप ले लो लाइक ऑल आर मेजर सिटीज सारे 15 सिटीज में आ जाएंगे मुंबई दिल्ली बैंगलोर हैदराबाद चेन्नई कोलकाता सारे सुपर 15 सिटीज वी विल डू और उसके बाद हम ऑस्ट्रेलिया जाएंगे अरे वाह तो ये काफी बैक टू बैक है बट ट्रैवल के लिए आई एम अ लिटिल स्कैर्ड क्योंकि लाइक स्लीप इज जरूरी बट ऑल्सो वेरी ग्रेटफुल एंड यू नो एक्साइटेड कि फाइनली हम वापस आ रहे हैं शोज पे तो बट अभी एस्पायर क्या करते हो मतलब व्हाट आर यू इज देयर एन एस्पिरेशन टू मेक सच अ ट्रैक क्या Musically, कोई aspirations ऐसे नहीं है. My aspirations to be a dad, yeah. You know, to be a father, to be a husband. ये सब सोच रहा हूँ मैं. Like, और ये by the way, अभी की so अभी I've been thinking about this like since a very long time. क्योंकि I feel like music उसका product होगा. हाँ. You know, like on this album there's a song called Chanda Mama. हम्म And Chanda Mama is basically a love letter to my kids. Yeah. My future kids के लिए लिखा है मैंने वो. हाँ. You know, क्योंकि I feel like these are the things I care about. Yeah. You know, I care about family a lot. And My music is a reflection of that. Correct. So, honestly, aspirations are to be like a dad and all of these things. Or, yeah, as long as I'm doing that, gaane banenge, you know. तो है पर्सनल लाइफ में कुछ है लेकिन आप बताते नहीं हो आप ज्यादा जिंदगी में लोगों को ज्यादा नहीं बताता हूँ ज्यादा नहीं बट आप नहीं सही है हम लोग इससे ज्यादा प्रूड नहीं करते भाई अगर आपको पर्सनल कुछ रखना है तो रखो भाई बिंदास सो स्वीट व्हिच इज हाउ इट शुड बी आल्सो आई थिंक मतलब काई को आपको ऐसा घुसना है जिंदगी में ब्रो अपना सही बात बोल रहे हो क्योंकि लोगों को ज्यादा मसाला चाहिए यू नो लाइक ज्यादा इज लाइक कि अभी रिलेशनशिप के बारे में बताएगा तो ब्रेकअप के बारे में लिख पाएंगे ना फिर बाद में इट्स लाइक और फिर गाना बनाया तो टूटे दिल से आवाज निकली यार सही बात इधर रॉकस्टार में था ना टूटे दिल से असली साज निकलता है जी 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 Which brings me to the Urdu in your music. आपको पता नहीं होता था आपके लिरिक्स में उर्दू जो मतलब क्या है उनका शब्दों का You won't believe this. मैं लाइक स्पेशली नोट गया when I wrote words like जमा और ये सब I feel like उस समय में इट्स सो स्ट्रेंज क्योंकि आई थिंक ग्रोइंग अप माय ग्रैंडफादर इज माय दादा इज अ हिंदी प्रोफेसर माय मॉम आल्सो इज लाइक आई एम इन अ फैमिली ऑफ एकेडमिक्स और मैं खुद ड्रॉप आउट हूं ठीक है शायद इसलिए चल गया एग्जैक्टली तो ग्रोइंग अप पता नहीं कहीं सुना होगा आई मस्ट हैव हर्ड अ लॉट तो वो सबकॉन्शियस में बैठ गया होगा तो मैं जब लिख रहा हूँ यू नो आई एम राइटिंग दिस वर्ड्स मैं मॉम को बोल रहा हूँ मम्मा इज लाइक हैव आई कॉइंड दिस वर्ड ये कोई क्योंकि मैं पैदा किया हाँ मुझे पता नहीं है माय मॉम इज लाइक नो दिस इज इन उर्दू एंड आई एम लाइक रियली You know, तो ये काफी interesting था like office and all these words, very beautiful words. जो and I think like as long as मैं like melodies को गा रहा हूँ, like ta na 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 na, अब धीरे-धीरे words आएंगे. गाते-गाते वो words fit हो जाते हैं. फिर I'm thinking कि word कहाँ से है? word कहाँ से है? But ये आपके गानों की parody भी बहुत बनती है भाई ऐसा how to make a rich song. Yes sir. How does that feel? It feels
honestly, like मेरे हिसाब से this is the biggest form of flattery. Yeah, ना? Exactly. और मुझे क्या लग रहा है कि हमारे लिए we need more of this. Yeah. You know, we need पहले तो we need sound. Correct. I feel like country में लोगों की खुद की sound ही नहीं है. तो पैरिडी क्या करोगे यू नो सो आई फील लाइक टू बी पैरिडीड इज अ वेरी बिग थिंग स्पेशली सेम टच थैंक यू टू पीपल हु पैरिडीड आवर शो आल्सो यस दे सेड स्मैशेबल इंडिया थगेश डिड इट इन थाने एंड ही सेड थाने जर्नी है नाइस 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 मुंबई का खाना भाई देखो दिख रहे हैं आगे पानी पूरी बट व्हाट आर योर फेवरेट काइंड ऑफ फूड आइटम्स I'm from Pune, so my thing is vada pav, man. Really? Yeah, yeah. But the Pune ka vada pav with the sukha chutney? Or with the sukha chutney. I think Bung Garden mein there's this the most famous vada pav section. Yeah. Wahan pe my dad works at ICICI. Ha. And he's in Bung Garden, so he'll bring back like vada pav Sorted. Every other week. So mere liye, like that's my go-to street food. Yeah, yeah. Yeah. तो व्हाट एल्स लाइक आई कैन सी यू सेलिब्रेटिंग अभी सो शुरू हो गया है मैं काफी फूडी इंसान हूं वैसे मैं तो आई लाइक यार आई डोंट नो वेयर टू बिगिन लाइक आई लाइक अ लॉट ऑफ थिंग्स बता दो भाई सारा मैं भी फूडी है मैं रिलेट कर रहा हूं मैं सब आप बताओ व्हाट यू लाइक एंड आई विल टेल यू कि इफ आई सब यार मतलब आई लाइक बट आई एम मोर ऑफ अ सूखा वाला आइटम सो सेव पूरी आई लाइक बेटर ओके Oh no, I'm Pani Puri that way. Oh, Pani Puri. Yeah, I also like Pani Puri. Haan. Pani Puri who doesn't like? That's true. That is true. That is true. Pani Puri mein category ho jati hai phir. Ki... Are you aap meetha? Nee, nee, main only spice ratio. Only tikha. Bro, yeah. See, in that also the category is not just the meetha sukha and tikha. Haan. The categorization that I am going with is the alu or the vatana or the garam vatana. That's See, a very interesting. Yeah, that categorization is very. Chole alu. Mix ka hi alag scene ho jata hai. Yeah, yeah. But are there any Mumbai slangs that I go to like that you like? Mom. So chanda mama. Haan. Chanda mama. It's an inside joke. It was like chanda mom. Mom. Because we were like talking about mama as police. Yeah. So wo soch rahe the hum log. You like video भी करेंगे ऐसे ही कुछ. It's respect to pay respect to all the Mumbai police folks. And yeah, ये in fact top secret information is now out there. Yes. ये हम plan कर रहे हैं. Yes. अगर आप 1000 comment में लिख देंगे कि yes, mom, तो हम समझ जाएंगे कि आपको अच्छा लगेगा. Shout out MC Stan. Yes. Yes sir. He's also from Pune. Yeah. So much love for him. Is he the 80,000 ka joota tera ghar jaa raha hai bada gaya epic is main abhi unko abhi recently sunna chalu kya yeah gajab scene hai bro india ke music ka to bahut revolutionary scene hai kafi kadak kaam ho raha hai but there is no other like mumbai slang or like any word or phrases that are used over here that you like I feel like kabhi kabhar like when I'm talking to rahul and all rahul's my manager unko kabhi kabhar bol denge ki thoda hindi hamara change ho gaya hai the last 5 years where it's like ha main karega karega na ha chal raha like something those things jo ek casually like I think ab hone lage but I don't know utna ha wo ek thoda sa I feel karega main karega karega na main karega bolega na main bolega bas kya bachchi Yeah. But are there any ways you battle anxiety? Is there like, or is it go to like therapy is the go to place? I feel like for me, I just try to minimize things jahan pe I anxiety thoda like flare up ho sakta hai. Because I know ki I've accepted ki ye kuch wo nahi hai. Ki like this is a part of me. Yeah. You know, so I just have to manage it. कोई चीज को अगर मैं नो बोलना सीख गया हूँ आई थिंक दैट इज बिन माई बिगेस्ट थिंग जहाँ पे कंफर्टेबल नहीं है भाई नहीं है कंफर्टेबल इट्स फाइन लाइक यू नो नो बोल सकते हैं शो अगर कोई रीजन से कोई शो का अगर प्रॉब्लम है या कुछ है तो मैं स्टार्ट सेइंग नो सही बात मैनेज करना पड़ता है यार और आई थिंक दैट्स आवर व्हिच इज अ गुड थिंग व्हिच इज अ वेरी आई ट्राई टू बट हैज आई एम अ वेरी एंक्शियस पर्सन या काफी यू कैन टेल आल्सो आई थिंक यस आई कैन आई एम आल्सो एन एंक्शियस पर्सन एंड आई नो माय पीपल अराउंड मी हु आर ऑन द स्पेक्ट्रम हियर देयर एवरीवेयर So it's a good thing, yaar. Matlab, it's also about telling the world that it's okay. It is okay. That's the thing. I think ye stigma na. Haan. Agar hum hata sakte hain, then nothing like it. How was it? Kaisa laga? So much fun. Maza aaya? Maza aa gaya. I think wo hamara thoda connect ho gaya tha, build ho gaya tha. Isliye it was main bhi comfortable hoon. Baap baap. Main soch nahi raha hoon ki interview chal rahe hain. Apan bachchori kar rahe hain. Wahi conversation hai, and that's when it's the best. also background that people will never know because physical. इनके हाथ में हमेशा पसीना रहता है गीला रहता है that is the biggest sign of anxiety yes sir yes sir तो जब मैं मिला तभी मैंने हैंडशेक किया और मैं सॉरी अबाउट दैट ये थोड़ा नहीं मेरे को समझते हैं ना रे मैं अंडरस्टैंड करता हूं तो ऑलवेज जस्ट बी एक्सेप्टिंग ऑफ पीपल द वे दे आर
Yes, sir. That yes, changes sir. Your friendship, your conversation, everything. I have a story for you. Yes. I think earlier this year, I met A.R. Rahman. Huh. Okay. And you can't imagine how sweaty my palms are. Okay. Really? So I remember I'm just like, I've frozen in front of, because I'm such a big fan. All of us are. So I'm just like, okay. And he's shown up in the front and I'm like, hello, sir. And I've done the handshake. Right. And then Rahman's like, because it was so sweaty, bro. I was like, this is, and I'm just like, so sorry. And I was like, and I'm like, I couldn't even take a picture because I had that moment with him. But this was in France earlier this year. Oh, damn. So this is my story with... But good stuff, yeah. Thank you for being on the Bombay Journey. Thank you for having me. Subscribe, kar lo. Please do. And this is me, Sid, signing off. Bye, guys.